अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलावल और आप देख रहे हैं ट्रैक इन्फॉर्मेशन चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं पीकेडी 411। तो इसी गाड़ी का मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, ये जैसा कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी में, ये कितनी मतलब अच्छा इसका बम्पर बनाया गया, कितनी डेकोरेशन की गई है इसमें। ऊपर आप इसके केबिन पे भी देख सकते हैं। तो ये राइट साइड से आप गाड़ी देख सकते हैं, 10 व्हीलर गाड़ी है ये। तो इसके बाद दोस्तों, इस गाड़ी के ड्राइवर से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे मतलब इस गाड़ी में कितना माल लोड करते हैं, क्या लोड करते हैं और कहां से कहां चलते हैं ये। तो इसकी बात की जाए दोस्तों, तो ये गाड़ी मतलब डबल हिस्सा गाड़ी है, जैसा कि आप शॉप देख सकते हैं इसकी, ये डबल हिस्सा गाड़ी है। ब्रिजस्टोन के टायर हैं इसमें। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बैक लुक भी इसकी दिखा देता हूँ। अभी गाड़ी की हालत थोड़ी गंदी है, मतलब सर्विस वगैरह नहीं करवाई हुई थी। तो ये राइट साइड से भी दोस्तों मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप तो। इसके बाद दोस्तों, मैं गाड़ी का केबिन उठा के आपको गाड़ी का इंजन वगैरह भी दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, बम्पर में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करवाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यूरो 2 ईडी पेंट, यूडी निसान पीकेडी 411। तो चलते हैं दोस्तों, अब मैं केबिन उठा के आपको इसका इंजन वगैरह दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैंने गाड़ी के ड्राइवर से बात की है, वो कह रहे हैं इसके केबिन के लॉक में कोई मसला है तो केबिन नहीं उठ सकता। तो चले, मैं आपको गाड़ी अंदर से मैं मुकम्मल गाड़ी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा दोस्तों, आप गाड़ी के अंदर आ गए, मैं आपको अंदर से ही मुकम्मल गाड़ी दिखाता हूँ और गाड़ी के ड्राइवर से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे इस गाड़ी के मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन। तो ये जैसे कि ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा भाई जान, आप ये बताएं, ये गाड़ी कौन सा मॉडल है? अच्छा अच्छा, पीकेडी 411, मॉडल कौन सा ये? अच्छा दोस्तों, ये भाई कह रहे हैं इस गाड़ी के मॉडल का इनको नहीं पता, तो इसका मैं आपको मीटर आपको दिखा देता हूँ। इसका 140 का मीटर है, वो राइट साइड पे आपको इंजन आरपीएम गेज मिल जाती है, इसी तरह आपको यहाँ पे मतलब फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज मिल जाती है, ऊपर आपको प्रेशर गेज मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों, आप ये देख सकते हैं LED वगैरह लगाई हुई है इस गाड़ी में, और इसकी अगर गियरों की बात की जाए तो 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर है इसमें। ये प्रेशर हैंड ब्रेक आपको इसमें मिल जाती है। तो उसके बाद ये आपको स्लीपर बेड भी इसमें मिल जाता है दोस्तों। ये आपको केबिन की लाइटें इसमें मिल जाती हैं, छोटी लाइटें। तो उसके बाद दोस्तों, आप अच्छा उस्ताद जी, ये बताएं कि आप कहाँ से चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? आप रामेश्वर चलते हैं, तो इधर से क्रश लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, क्रश पे मतलब ज़्यादातर चलते हैं। इस पर तकरीबन कितने सैकड़े आप क्रश लोड करते हैं? यार भाई, आप इस पर 8 सैकड़े 8.5 सैकड़े 9 सैकड़े। अच्छा अच्छा, तो अच्छा आप तकरीबन एक अंदाजे से बताएं, ये गाड़ी महीने में कितना मतलब बचत, खर्चे निकाल के कितनी बचत दे देती है 10 व्हीलर गाड़ी ये? जरा जी सही काम हो तो 4-5 लाख रुपये बचत दे देती है। अच्छा अच्छा, ड्राइवरों के गाड़ी के खर्चे निकाल के तकरीबन 4-1 लाख रुपये बच जाते हैं। आजकल के जिस तरह ट्रांसपोर्ट के हालात है, आजकल डीजल भी जैसे आपको पता है महंगा हो गया, उस हिसाब से तकरीबन 4 लाख बच जाता है खर्चे शर्चे निकाल के। 3 लाख से 4 लाख। अच्छा अच्छा, 3 से 4 लाख मतलब बच जाता है। तो आपके साथ और भी कोई ड्राइवर है कि नहीं, आप अकेले होते हैं इस गाड़ी? दो ड्राइवर हैं, 2 क्लीनर होते हैं हम। अच्छा अच्छा, ये अच्छा ये बता दें, ये गाड़ी दिन रात चलती है, 24 घंटे चलती है? 24 घंटे, ये रुकती छुट्टी नहीं है। अच्छा अच्छा, रात के लिए अलग से ड्राइवर होते हैं, दिन के अलग ड्राइवर होते हैं? 24 घंटे का एक होता है, 24 का दूसरा होता है। अच्छा अच्छा, 24 घंटे की शिफ्ट होती है मतलब आपकी? अभी मैं शिफ्ट पे आया हूँ। अच्छा, सुबह तक मैं करूँगा 7-8 बजे तक शिफ्ट लगाऊंगा। अच्छा, आज 8 बजे आए हैं, कल 8 बजे तक आप मतलब शिफ्ट चलाएंगे, उसके बाद अगली पार्टी आ जाएगी, दूसरे ड्राइवर आ जाएंगे। सही हो गया। तो चले सही है भाईजान, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी, थैंक यू। अच्छा बात सुनिए। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।